गाइस, अगर आप पेटीएम पेमेंट बैंक के यूजर हो तो आप यहाँ पर पेटीएम पेमेंट बैंक की नेट बैंकिंग कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, यानी यहाँ पर पेटीएम पेमेंट बैंक का यहाँ पर यूजर आईडी और पासवर्ड कैसे क्रिएट कर सकते हो, कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है पेटीएम पेमेंट बैंक। तो जैसे ही हमने यहाँ पर पेटीएम पेमेंट बैंक सर्च किया, अब यहाँ पर पेटीएम पेमेंट बैंक का यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। तो आपको इसी पेटीएम पेमेंट बैंक वाले ऑप्शन पर ही क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर बहुत से ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी हेल्पफुल वीडियो देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पर अपने पेटीएम पेमेंट बैंक की यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओगे तो इसका कुछ इस प्रकार इंटरफेस होगा, आप यहाँ पर देख लें। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको साइड में 3 डॉट्स हो रहे हैं, आपको इसी 3 डॉट पर क्लिक करना है। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद यहीं पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है नेट बैंकिंग लॉगिन का। तो अब यहाँ पर हम नेट बैंकिंग वाले लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर नेट बैंकिंग लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, तो अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। यहाँ पर आप वही मोबाइल नंबर एंटर करें जिस मोबाइल नंबर पर आपका पेटीएम पेमेंट बैंक का वॉलेट अकाउंट हो, या सेविंग अकाउंट हो, या करेंट अकाउंट हो, आपको वही रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। जैसे ही आप मोबाइल नंबर एंटर कर सेंड ओटीपी करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, वही ओटीपी एंटर करना है, फिर वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। तो हम यहाँ पर ओटीपी एंटर कर चुके हैं, वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर एंटर पासकोड, अब यहाँ पर यह पासकोड एंटर करने के लिए बोल रहा है। आपको पता होगा, जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक में हम जब अकाउंट खोलने के लिए जाते हैं या जब भी लॉगिन करते हैं तो हमको एक 4 डिजिट का पासकोड एंटर करना पड़ता है। तो वही पासकोड यहाँ पर आपको एंटर करना है और प्रॉफिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। अब जैसे ही हमने प्रॉफिट किया, अब हमको यहाँ पर सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट और वॉलेट अकाउंट वाले ऑप्शन शो हो रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम सेविंग अकाउंट के सामने जो प्रॉफिट वाला ऑप्शन है, हम इसी पर क्लिक करते हैं। अब हमारे यहाँ पर जो सेविंग अकाउंट में जो भी बैलेंस है, वह बैलेंस यहाँ पर शो होगा, एफडी बैलेंस सब कुछ यहाँ पर शो होगा। और यहाँ पर जैसे आप वॉलेट को सेलेक्ट करेंगे तो आपके वॉलेट में जो भी पैसे होंगे, वह पैसे यहाँ पर आपको शो होंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर सेविंग अकाउंट वाले ऑप्शन पर यहाँ पर प्रॉफिट किया तो हमारे यहाँ पर सेविंग अकाउंट का बैलेंस शो हो रहा है। अब जैसे आप यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करते हैं ऊपर, तो यहाँ से आप पासबुक, बेनिफिशरी, नॉमिनी डिटेल्स, फिक्स्ड डिपॉजिट, यहाँ पर आप सब कुछ यहाँ पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इन सब फीचर्स का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर जैसे हम यहाँ पर इसको साइड करते हैं तो यहाँ पर आपका जो पेटीएम पेमेंट बैंक का जो अकाउंट नंबर है, आईएफएससी कोड है, वह यहाँ पर आपको शो होगा। हमने इसको ब्लर कर दिया है और यहाँ से आप अपनी इंटरनेट बैंकिंग को यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार आप यहाँ पर पेटीएम पेमेंट बैंक की यहाँ पर नेट बैंकिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो पेटीएम का यूजर आईडी और पासवर्ड, वह कैसे होगा, यानी वह कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए यहीं पर आपको, जैसे आप यहाँ पर लॉगिन करने के लिए आते हो तो यहाँ पर आपको नीचे और एक ऑप्शन देखने को मिलता है लॉगिन विद पेटीएम। तो जैसे आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर रजिस्टर पेटीएम मोबाइल नंबर है, जो यानी आपका यूजर आईडी है, आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होता है, और यहाँ पर आपको एक पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड आपका पहले से बना होता है तो यहाँ से आप पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं, और आई एम नॉट रॉबर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर कर दें और पासवर्ड यहाँ से फॉरगेट कर लें, आई एम नॉट रॉबर्ट पर क्लिक करना है। बस आपका यहाँ पर पेटीएम पेमेंट बैंक का यूजर आईडी, तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी हो गया, और आपका यहाँ पर पासवर्ड भी क्रिएट हो जाएगा। तो जब आप नेक्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो आप यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करें और जो आप पासवर्ड क्रिएट करेंगे उस पासवर्ड को एंटर कर इस बॉक्स पर टिक कर साइन इन सिक्योरली पर यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं और पेटीएम पेमेंट बैंक की यहाँ पर नेट बैंकिंग इस्तेमाल कर सकते हैं।